हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी भोजनशाला में। आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। ये सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इस सब्जी को पूरी, पराठा, चपाती किसी के भी साथ सर्व करें। तो आइए देख लेते हैं लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लौकी ली है और इस लौकी को मैंने छील करके और कद्दूकस कर लिया है। 2 बड़े प्याज और 4 लहसुन की कलियां को लेकर के हमने पेस्ट बना लिया है। 4 टमाटर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च, इसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। 1 कटोरी बेसन, थोड़े से हरे धनिया की पत्ती, 2 तेजपान के पत्ते, 1 चम्मच किशमिश, आधा चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 1 पिंच हींग, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चीनी, 50 ग्राम करीब मावा लिया है, तो मावा इसमें ऑप्शनल है। सब्जी को बनाने के लिए हमें तेल चाहिएगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लौकी का एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देते हैं। तो लौकी को इस तरीके से हाथों में लेकर के और दबा करके जो इसका एक्स्ट्रा पानी होता है उसे हमें निकालना है। ये देखिए, हमने लौकी का पानी निकाल दिया है। अब हम इस लौकी को एक बर्तन में डाल लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो बेसन हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ बेसन नहीं डालना है। और इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बेसन फिर से डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा और इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है और इतना घोल बनाने के लिए मुझे इतना बेसन लगा है और इतना बेसन मेरे पास बचा हुआ है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो कोफ्तों का साइज आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हो, जो भी आप शेप देना चाहो उसको दे सकते हो। लौकी को ग्रेट करने के बाद में लौकी को हमें धोना नहीं है। अगर हम लौकी को धो लेते हैं तो उसमें बेसन की मात्रा बहुत ज़्यादा लग जाती है और कोफ्ते भी अच्छे नहीं बनते हैं। ये देखिए, हमने लौकी के कोफ्ते बना लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब इन कोफ्तों को हम फ्राई कर लेते हैं। तो एक बार में कढ़ाई में जितने कोफ्ते आते हैं उतने कोफ्ते हम कढ़ाई में डाल देंगे। कोफ्तों को एक साइड से सिक जाने के बाद में हम इसका साइड चेंज कर देते हैं और इसी तरीके से अलट पलट करते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन कलर का होने देंगे। ये देखिए, कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इन कोफ्तों को हम निकाल लेते हैं और बाकी बचा कोफ्ता भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए, कोफ्ता फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। सारे कोफ्ते हमने निकाल लिए हैं। अब हम सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को गर्म हो जाने के बाद में उसमें जीरा, राई, तेजपान के पत्ते, गरम मसाला, इन सबको डाल करके हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और प्याज का पेस्ट और इसे भी हम भूनेंगे। तो इसे करीब हमें 5 से 7 मिनट भूनना है। जब तक कि प्याज का कलर अलग नहीं दिखने लगता है तब तक कि प्याज को हमें भूनना है।
कि देखिए प्याज हमारा भून चुका है, तो अब हम इसमें हींग डाल देते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी को हम इस तरीके से हाथों में लेकर के क्रश करते हुए डालेंगे। मिक्स कर देते हैं इसे और कुछ देर हम इसे भून लेंगे। कुछ देर बाद भून जाने के बाद में अब हम इसमें टमाटर के पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी हम कुछ देर भून लेंगे। टमाटर भून गया है तो अब हम इसमें मावा डाल देते हैं। मावे की जगह आप फ्रेश मलाई भी ले सकते हो। मिक्स कर देंगे और इसे कुछ देर हम भून लेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छी भून चुकी है, तो अब हम इसमें आधा गिलास एक गिलास पानी डाल देंगे, या पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हो। मिक्स करेंगे इसे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, किशमिश। किशमिश डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसे अब हम ढक देंगे और ढक करके हम इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो ये देखिए अच्छा उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं, कोफ्ते भी डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इसे और कुछ देर हम इसे और ढक करके पकाएंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गए और सब्जी बनकर के तैयार है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सब्जी बनकर के तैयार हुई है। आप इस सब्जी को गर्मा गर्म परोसें। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।